नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश सहित ग्वालियर किला गेट चौराहे पर काला फीता और मुंह पर काला रुमाल बांधकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश में बनाई गई शिवराज सरकार का विरोध करते हुए काला दिवस मनाया गया। प्रदेश महामंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रही थी। उस सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करोड़ों रुपए का जो सौदा किया और लोगों को तोड़ा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रदेश में जो कार्य किया वो निंदनीय और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का जो काम भाजपा के द्वारा किया वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना को आज पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति निंदनीय मान रहा है और भाजपा सरकार जो 100 दिन पूरे होने की बात कर रही है, इस दौरान प्रदेश के हित में एक भी कार्य नहीं किया गया। आज काले दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के अपार सहयोग से फिर से सत्ता में आएगी और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। इसके लिए जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। ना रहिए, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस अच्छाई के साथ जिस जनता की भलाई के लिए काम कर रही थी, उस सरकार को नेस्ताबूत करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए का जो सौदा किया, हमारे भाजपा के लोगों को तोड़ा और उससे अपनी सरकार गठजोड़ करके बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था संविधान के खिलाफ। हमारे देश में सबसे बड़ी पूंजी संविधान है। संविधान के द्वारा बताए हुए मापदंडों के आधार पर ये देश की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आज शुचिता, स्वच्छता और ईमानदारी की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों से विमुख हो गई है। आज सिर्फ ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए और तमाम प्रकार के अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के उद्देश्य से काम करने पे आमादा है। जनता इसको अच्छा महसूस नहीं कर रही है, आम जनता नाराज है और कमलनाथ जी की सरकार जो गरीबों के हित में काम कर रही थी, जो मजदूरों के हित में काम कर रही थी, जो व्यापारियों के हित में काम कर रही थी, जो किसानों के हित में काम कर रही थी, जो नौजवानों के हित में काम कर रही थी, महिलाओं को सम्मान देने के लिए काम कर रही थी, आज उस सरकार को इनने क्षतिग्रस्त करते हुए अपनी स्वार्थ सिद्धि की और हमारे विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का कुप्रयास किया। निश्चित तौर पर ये शर्मनाक है। इस घटना की हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। हम तो करते ही हैं, पूरे प्रदेश के एक एक मतदाता, पब्लिक का एक एक आदमी इसको अच्छा नहीं मान रहा है। आज ये 100 दिन पूरे करने की बात कर रहे हैं। 100 दिन में एक काम बताएं जो गरीबों के हित में इन्होंने किया हो, एक विकास का काम बताएं जो इन्होंने किसी क्षेत्र में किया हो, एक ऐसा कोई काम बताएं जो महिलाओं के हित में हो, बुजुर्गों के हित में हो, हमारे मजदूरों के हित में हो, हमारे गरीबों के हित में हो। ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक जमावट में लगे हैं। ये दुर्भाग्य का 100 दिन तो हो गए, 3 दिन से मुख्यमंत्री पड़े हुए हैं दिल्ली में, लेकिन उनका मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सालों सालों से काम करने वाले लोग हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं आ रहे हैं और ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले ये विधायक, जिनकी तमाम प्रकार की लोभ देकर उनकी इच्छा पूरी की है, तमाम लेन देन हुआ है, उनको बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी में घोर विरोध है, इन्हीं लोगों का विरोध है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को अच्छा नहीं मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश का कि आप अपनी राजनीति कर रहे हो, अपने लोगों की राजनीति कर रहे हो, लेकिन अपनी नहीं, गरीब की सोचो, हर गरीब के आंसू पोंछो, ये कांग्रेस का नारा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस जिन परंपराओं का निर्वहन करती है, ईमानदारी, स्वच्छता, शुचिता और अच्छाई के साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कुछ सोचे समझे और उसी रास्ते पर चलने का काम करे। हम काले दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। हम फिर से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, जनता के अपार सहयोग और समर्थन के साथ फिर से सत्ता में आएगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की पुनः सरकार स्थापित होगी और जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
इसलिए आज हमने ये काला दिवस मनाया है। हमने संविधान की रक्षा करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन साफ सुथरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, गंदगी ना फैलाए, और जो गंदगी फैलाने का काम कर रहा है उससे सबक ले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अभी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।